तुम और तुम्हारे भगवान, क्या लगता है तुम बड़े महान हो तुम। समुद्र मंथन में निर्णय लिया गया था कि मंथन से बारी बारी निकले उपहार देवता असुरों में समान रूप से बांटे जाएंगे, और जब अमृत निकला तब असुरों की बारी थी अर्थात हमारी बारी। तब क्या किया था तुम्हारे नारायण, छल से सारा अमृत उन देवताओं में बंटवा दिया था। तब क्या किया था तुमने, कुछ नहीं। और अब इस ईश्वर भक्त पुत्र के पिता बनने का हर्ष मना रहे हो, जितना प्रसन्न होना है हो लो, लेकिन मेरी एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे इस दिव्य पुत्र को तो मैं ढूंढ कर ही मानू। जाओ, जाकर कह दो उससे कि अब उसके पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो वो देवताओं का साथ भूलकर असुरों के साथ आ जाए, अन्यथा अपनी मृत्यु स्वीकार करे, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड पर केवल और केवल मेरा ही राज्य है।